ईशान के सामने अक्का साहिब की सच्चाई आ चुकी है। सभी ने ईशान को अपनी ग्रेफिटी की वो वाली तस्वीर दिखाई जो अक्का साहिब ने खराब की थी उसके पहले की थी। खुद ईशान इस बात को देखकर हैरान है कि आखिरकार अगर गावाची गैंग ने ये वाली ग्राफिटी बनाई थी तो उनकी ग्राफिटी को किसने खराब किया। पहले दुर्वा ने कंपटीशन जीतने के लिए जिस तरीके से चीटिंग की, उसके बाद अब जब बारी आई जजमेंट सुनाने की, जब बारी आई रिजल्ट बताने की, तब सभी की ग्राफिटी पर इस तरीके के निशान। हालांकि ईशान जो है यहाँ पर अब कोई और बात सुनने को तैयार तो नहीं था, लेकिन जजेस जब रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे उससे पहले जाकर सभी ने जो सबूत दिखाए उसके बाद ईशान ने रिजल्ट रोक दिए, क्योंकि ईशान इस पूरे मामले की तह तक जाना चाह रहा था। ईशान जानना चाह रहा था कि आखिरकार कौन है उनके कॉलेज में जो लगातार सभी के पीछे पड़ा हुआ है। और अब जब सभी ने ये तस्वीर दिखाई तो शुक्ला जी ने भी इस बात का खुलासा किया कि अक्का साहिब ने उनसे पूरा का पूरा चाबियों का गुच्छा लिया था। ईशान को समझने में देर नहीं लगी कि ये सब कुछ अक्का साहिब का काम हो सकता है, लेकिन उसके पास इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। और ईशान को ऐसा लगता है कि मानो उसकी अक्का साहिब आखिरकार कॉलेज की एक स्टूडेंट के पीछे इतनी हद तक क्यों पड़ेंगी, और इसीलिए वो सोचता है कि जाकर खुद अक्का साहिब से सीधे सीधे सवाल पूछे जाए। लेकिन यहाँ पर वो जैसे ही सवी के साथ अक्का साहिब के पास जाता है तो अक्का साहिब इस बात को लेकर मना करती नजर आती हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया। वो इस बात को ही डिनाई कर देती है कि उसने इस तरीके की कोई हरकत की है। लेकिन यहाँ जब ईशान उन्हें वीडियो दिखाता है तो अक्का जो है मजबूरी में अपनी गलती मानने को तैयार हो ही जाती है। तो एक बात तो तय है कि एक बार फिर से सभी ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो ईमानदार और सच्ची है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि गलत हो। अब ईशान को यहाँ समझने में देर नहीं लग रही कि जानबूझकर जो है बार बार सभी को नीचा दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।